myself, Dr. Ashish P. Mohta, Assistant Professor in Department of Commerce and Management at Srimati Keshavi Lal Ki Mahavidyalaya, Amravati. पिछले पार्ट्स में अपन ने प्रोसेस कॉस्टिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रो फार्मा, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये कुछ कंसेप्ट देखी। आज अपन नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जॉइंट एक्सपेंसेस कैसे बायफर्गेट किए जाते प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स। पार्ट फाइव, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अ सर्टन प्रोडक्ट वाई यील्ड्स बाय प्रोडक्ट बी एंड सी, द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एज अंडर। एक प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है जिसको ए नाम का प्रोडक्शन करना था बट गलती से बी और सी नाम के प्रोडक्शन क्रिएट हो गए। अपन ने जब ए नाम का प्रोडक्शन करना सोचा था उस समय सिर्फ ए के लिए लगने वाला खर्चा जो था ये एक्सपेक्ट किया था। तो ए के लिए लगने वाला खर्चा ऐसा स्टार्टिंग में मटेरियल 10,200, लेबर 11,500, ऑन कॉस्ट 7,500, ऐसा टोटल खर्चा आ रहा था 29,200। ये अपन ने जब स्टार्टिंग प्रोडक्शन करने का सोचा था उस समय, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन करते समय सिर्फ अपने को ए नाम का प्रोडक्शन करना था बट गलती से बी और सी नाम के दो प्रोडक्शन और तैयार हो गए। अब थोड़े दिन जाने के बाद अपन ने बी और सी के इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस है, इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस आर एस फॉलोस, मटेरियल ए और बी एंड देन सी, लेबर ए बी और सी, ऑन कॉस्ट ए बी और सी, टोटल दिए गए 5,900 एंड 3,700, 4,450, सेलिंग प्राइस दिए हुआ 30,000, 20,000, 15,000, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन टर्नओवर इज ऑन प्रोसेस ए 40%, ऑन प्रोसेस बी 30% एंड प्रोसेस सी 25%। प्रोसेस ए का अंदाज एंड प्रॉफिट ऑन टर्नओवर मीन सेल्स, सेल्स जो है उसके ऊपर ए के लिए 40% है, बी के लिए 30% है 20,000 और सी के लिए 25% है 15,000, ये अपने को प्रॉफिट दिएगा। शो हाउ वुड यू सेपरेट द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। अपने को जो जॉइंट एक्सपेंसेस है इसको कैसे बायफर्गेट किया जाएगा, मतलब ए के लिए कितना, बी के लिए कितना, सी के लिए कितना, ये फाइंड आउट करना है अपने को पहले, और उसके बाद में अकाउंट्स खोलना है प्रोसेस ए प्रोसेस बी प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस फॉर ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए जॉइंट एक्सपेंसेस कितने रुपए आएगा ये ढूंढेंगे। इसके लिए एक सिंपल बेसिक फार्मूला बनाया हुआ है, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जॉइंट एक्सपेंसेस। ये सिंपल फार्मूला, सेल्स दिए हुआ था आपको 30,000, 20,000, 15,000, इन तीनों की टोटल 65,000, माइनस प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट था 40%, 30,000 पे 40%, 12,000 रुपए, बी का प्रॉफिट था 30%, 20,000 पे 30%, 6,000 रुपए, और सी का प्रॉफिट था 3,750। ये अगर माइनस कर दिए तो बचा कॉस्ट 18,000, 14,000, 11,250, इन तीनों की टोटल 43,250। माइनस इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस जो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस थे जो ए बी और सी के अलग अलग किए हुए खर्चे थे 5,900, 3,700, 4,450, ये क्वेश्चन में दिए हुआ है आपको टोटल, इज इक्वल टू ज्वाइंट एक्सपेंसेस 12,100, 10,300 और 6,800, ऐसी टोटल आ गए 29,900। अब प्रोसेस ए अकाउंट, मतलब अपन ने तीनों खर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 12,100 ए का खर्चा था, 10,300 बी का खर्चा था, सी का खर्चा 6,800 था। अपन ने जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया था उस समय अपने कंसेप्ट में था कि अपने को ए नाम का ही प्रोडक्ट बनाना है बट गलती से बी और सी बन गए थे। तो ए नाम का प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन ने पूरे खर्चे जो स्टार्ट में खर्चे किए जाते हैं वो सब ए के लिए किए गए थे, बी और सी के लिए नहीं किए गए थे। इसलिए अपन ने क्या किया, टू मटेरियल 10,200 यानी कि जॉइंट एक्सपेंसेस प्लस इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, ये दोनों की टोटल करके यहाँ लिखे हुआ है 12,700, टू लेबर 11,500 प्लस 1,900, दोनों की टोटल किए जॉइंट एक्सपेंसेस और इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ए के खुद की, ऐसी 13,400, ऑन कॉस्ट 7,500 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 9,000। ये क्वेश्चन में दिए हुआ था तीनों ही चीजें, बाय सेल्स, सेल्स भी दिए हुआ है 30,000। अब बाय बैलेंस ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट एंड बाय बैलेंस ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट, जॉइंट एक्सपेंसेस का जो खर्चा था
बायफर्केट किए बाद वो वाला हिस्सा अपने को बी और सी को ट्रांसफर करना है, 10,300 बी को ट्रांसफर करना है और 6,800 सी को ट्रांसफर करना है। उसके बाद में डेबिट साइड में टू पी एंड एल अकाउंट 40% प्रॉफिट बोला था काय के, तो सेल्स के 30,000 के 40% 12,000 रुपए। इस प्रकार से अपना प्रोसेस ये अकाउंट बना। ये बैलेंस ट्रांसफर पहले प्रोसेस का तैयार माल दूसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, इसलिए प्रोसेस बी के डेबिट साइड में टू बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए 10,300 टू मटेरियल। अब यहाँ जो मटेरियल लिए हुए है ये अपन ने इंडिविजुअल एक्सपेंसेस जो थे उनके पर्टिकुलर बी का जो मटेरियल का खर्चा था वही लिया, टू मटेरियल टू लेबर एंड टू ऑन कॉस्ट क्रेडिट साइड में बाय सेल्स। अब यहाँ पे कोई बैलेंस है नहीं ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए आएगा नहीं। डेबिट साइड में टू पी एंड एल अकाउंट 30% ऑन सेल्स 20,000 टू 30% 6,000 रुपये। उसके बाद में प्रोसेस सी अकाउंट, प्रोसेस सी में टू बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए जो अपने यहाँ जैसे ट्रांसफर किया था वैसे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है 6,800 टू मटेरियल 1,400 टू लेबर 2,000 टू ऑन कॉस्ट 1,050 क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 15,000 पे 30% प्रॉफिट बोला था 3,750। इस प्रकार से अपन ये ज्वाइंट एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। In a manufacturing concern, a certain product A yields by product B and C. The joint expenses of the manufacturing is as under: material 20,000, labor 5,000, on cost 15,000. इन तीनों खर्चों की टोटल 40,000 है, ये इंपॉर्टेंट रखना। अपने को ए नाम का प्रोडक्ट बनाना था बट गलती से बी और सी बन गए, तो ये जो खर्चा रहता अभी स्टार्ट में सबका है, इसको बायफर्गेट करना है, ए के लिए कितना, बी के लिए कितना और सी के लिए कितना। द इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस आर एज फॉलोस: मटेरियल ए बी और सी का, लेबर ए बी सी का, ऑन कॉस्ट ए बी सी का, टोटल दिए हुआ टोटल खर्चा ए का है 15,000 रुपये, बी का है 8,000 रुपये, सी का है 6,000 रुपये। सेलिंग प्राइस दिए हुए 40,000, 30,000 और 30,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन टर्नओवर, टर्नओवर का जो प्रॉफिट है वो लेना है। प्रोसेस ए के लिए 40%, प्रोसेस बी के लिए 30% एंड प्रोसेस सी के लिए 20%। टर्नओवर मींस क्या, जो सेल्स की अमाउंट है उस पर अपने को प्रॉफिट चार्ज करना है। शो हाउ वुड यू सेपरेट द ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड प्रिपेयर अ नेसेसरी अकाउंट। अपन ये ज्वाइंट एक्सपेंसेस जो है ये दिए हुए 40,000 रुपये, ये ए बी और सी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये दिखाना है पहली चीज, और नेसेसरी अकाउंट बनाना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि टोटल खर्चा जो दिए हुआ है ज्वाइंट एक्सपेंसेस का ये 40,000 रुपये, और इंडिविजुअल एक्सपेंसेस जो दिए हुए ए के 15,000, बी के 8,000 और सी के 6,000, ये ध्यान रखने वाली बात है। सॉल्यूशन, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस फॉर ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितने रुपए लग रहा है ये ढूंढना है। सेल्स दिया 40,000, 30,000, 30,000 क्वेश्चन में दिया था, इन तीनों के टोटल 1,00,000 माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज बोलेगा उस आधार पे 40,000 पे 40%, 16,000 रुपये, 9,000 रुपये, 6,000, इन तीनों के टोटल 31,000। कॉस्ट 24, सेल्स माइनस प्रॉफिट किया तो कॉस्ट बचेगा 24,000, 21,000, 24,000, इन तीनों के टोटल 69,000। माइनस इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस जो प्रोसेस ए के खुद के अलग खर्चे थे 15,000, 8,000 और 6,000 रुपये, ये माइनस किया तो बचा जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस है। प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट के लिए मटेरियल ए और मटेरियल की अमाउंट, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस और ज्वाइंट एक्सपेंसेस दोनों की टोटल करके लिखना रहता है यहाँ पे। प्रोसेस ए में 20,000 प्लस 8,000 28,000, टू लेबर 5,000, ज्वाइंट एक्सपेंसेस 4,000, इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस 9,000, ऑन कॉस्ट 15,000, ज्वाइंट एक्सपेंसेस 3,000, इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 40,000, टू बैलेंस ट्रांसफर टू टू बाय बैलेंस ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट 13,000, ये जो है बाय बैलेंस ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट 18,000, ये जो है इनकी टोटल किए और इसमें से ये माइनस किए तो 16,000 बचा। ये 16,000 को अपन प्रॉफिट बोलते हैं टू पी एंड एल अकाउंट, करंट ए बी ए अपना प्रोडक्ट जो बेचेगा उसका प्रॉफिट है। प्रोसेस बी अकाउंट, टू बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट 13,000 रुपये, टू मटेरियल, ये जो मटेरियल है ये इसका इंडिविजुअल एक्सपेंसेस और ज्वाइंट एक्सपेंसेस में इसमें कोई रिलेशन नहीं है, टू लेबर 3,000, टू ऑन कॉस्ट 2,000,
बाय क्रेडिट बाय सेल्स 30,000, 30,000 पे अपने को 30% प्रॉफिट बोला था इसलिए 9,000 प्रॉफिट आया। इस प्रकार से बी का प्रोसेस था। प्रोसेस सी टू बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट 18,000 ये अपन ने वर्किंग नोट से निकाली है। टू मटेरियल 2,500, टू लेबर 2,000, टू ऑन कॉस्ट 5,000, टू और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इस पे 20% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर है 30,000, 30,000 पे 20% 6,000 रुपीज। इस प्रकार से अपन इसको ज्वाइंट एक्सपेंसेस को बायफर्केट कर सकते हैं इजीली वर्किंग नोट के हेल्प से। वर्किंग नोट अगर नहीं बनाएंगे तो अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होंगे। थैंक यू वेरी मच।